हमारे चैनल क्या स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं जो चौधरी आज आपके लिए लेके आई हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारा ये टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस जितना मैं कराऊंगी उतना ही करना, इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। सो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और इसका हमारे अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है हमारे अर्थ पे इसका क्या कारण है, इनमें कौन कौन से गैसेस शामिल है जिनकी वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे अर्थ पे जो कंटिन्यू गर्मी बढ़ने का कारण है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कहीं ना कहीं। सो गाइज आइए देखते हैं। सो गाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मीन सेट कि जो सूरज से आने वाली किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर जो आती हैं उनमें से कुछ किरणें तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वापस चले जाते हैं, बट कुछ किरणें होती हैं जो हमारी पृथ्वी की लेयर से टकराती हैं और जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है उसमें कुछ गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, रेज को ट्रैप कर लेती हैं, मीन्स दैट के एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी को गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जिससे क्या होता है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। सो गाइस आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचती है तो इसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है एवं बाकी भाग मिट्टी, पेड़ पौधे और अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। मीन्स दैट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत लाभदायक है, यानी पृथ्वी पर जीवन संभव है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारी पृथ्वी को गर्मी मिलती है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन रहता, यानी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ होती जिससे जीवन संभव नहीं हो पाता। यानी अगर जीवन संभव है तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही है। अगर हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना हेल्पफुल बेनिफिट है तो ये अब हमारे लिए समस्या क्यों बन रहा है, क्योंकि जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता था कि जो सनरेज से जो किरणें आई उसमें हमारे वातावरण में जो उपस्थित गैसेस थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, पर एब्जॉर्ब वो कुछ ही गैसेस करते थे पर कुछ गैसेस को वापस जाना होता था। पर अब क्या हो रहा है कि जो हमारे वायु वातावरण में कुछ गैसेस और भी हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा ज़्यादा गैसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा रेज को वो ट्रैप करके रखती हैं, जिससे गर्मी पृथ्वी में बढ़ रही है और वो रेडिएशन वापस नहीं जा पाती, जिससे क्या हो रहा है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यही कारण है कि जो हमारे आजकल का जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। आपको मैं एक पाई चार्ट के थ्रू समझाती, जैसे कि इसमें सूरज से किरणें आई और जो पृथ्वी के वातावरण में गैसेस थे उनके द्वारा उन रेज को एब्जॉर्ब कर लिया गया, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रेज थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, बाकी रेज को वापस जाना होता था। तो उस क्या होता था, जब हमारे वातावरण में और भी गैसेस आ गई तो क्या हो गया, जो गैसेस जो रेज थी वो ट्रैप ज़्यादा होने लग गई, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लग गया, क्योंकि जो वो रेज ज़्यादा ट्रैप हो रही है तो वो रेडिएशन वापस जा नहीं पा रही है। जितने हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर हो नहीं रहा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर। सो गाइस ऐसी कौन कौन सी गैसेज हैं जो हमारे वायुमंडल में वातावरण में आ गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी थी, पर जैसे वाटर वेपर है वो सबसे ज़्यादा कारण है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, पर सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है वो जल वाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है गाइस, आप इन गैसेस को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें से आते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसेस जिम्मेदार हैं, तो उसमें ये तीन ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक दो ऑप्शन कुछ और दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेस जिम्मेदार हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल क्यारा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।